अल्लाम वरम्बरकू अरे बच्चों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे खैरत से होंगे हम प्रो सेक्शन का रैसा नंबर फाइव पढ़ रहे थे मैकबेथ कल हमने इसके वर्किंग विद द टेक्स्ट वाले एक्सरसाइज की आज हम लैंग्वेज वर्क पे आते हैं लुक एट सेंटेंसेस ही हैज़ अ लॉट ऑफ लैंड एंड मेनी सर्वेंट्स नंबर टू ही हैज़ सम सम लैंड एंड सर्वेंट्स इन द फर्स्ट सेंटेंस ए लॉट ऑफ इज़ यूज विद अनकाउंटेबल नाउन दैट इज़ लैंड एंड मैनी इज़ यूज विद काउंटेबल नाउन दैट इज़ सर्वंट्स वाइल इन द सेकेंड सेंटेंस सम इज़ यूजड विद बोथ अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन दैट इज़ लैंड एंड सर्वंट्स यहाँ पर पहले हमें ये याद रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको हम काउंट नहीं करते हैं या ग्रामर में हम जिसकी जिसका प्लेरल नहीं लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखेंगे वाटर तो उसको हम अगर पिलूरल लिखेंगे तो वाटर्स नहीं लिखेंगे वाटर लिखेंगे अगर हम शुगर लेंगे इसका हम पिलुरल शुगर्स नहीं शुगर लिखेंगे मिल्क है इसका भी हम अगर पिलुरल लिखेंगे तो मिल्क ही लिखेंगे सैंड है इसका भी अगर हमें पिलुरल लिखना हो तो हम सैंड ही लिखते हैं या लैंड है तो उसका भी लैंड्स नहीं लैंड ही लिखते हैं तो ये अनकाउंटेबल नॉम्स हैं जिनको हम काउंट नहीं करते हैं दूसरे जो है काउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट करते हैं और इनके प्लूरल में हम अक्सर एंड में एस लिखते हैं जैसे बुक है इसका बुक्स आता है पेड है पेनज आता है फैन है फैनज़ आता है एट्सट्रा तो यहाँ पर पहले वाला जो सेंटेंस से है इसमें लैंड है तो इसमें लैंड के साथ ए लॉट ऑफ यूज़ हुआ है लैंड अनकाउंटेबल नाउन है और सर्वेंट जो है वो काउंटेबल नाउन है इसके साथ मनी इस्तेमाल किया गया है सेकंड सेंटेंस में सम दोनों के साथ लैंड के साथ भी और सराउंडर्स के साथ भी इसका मतलब है सम जो आता है वो काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ होता है और अनकाउंटेबल uh, नाउन के साथ भी यूज होता है तो आगे लिखते हैं कहते हैं कि अब नाउ यूज अ लॉट ऑफ मनी और सम इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस शी हेज़ रिसिव डैश मनी शी हैज़ रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मनी मनी जो है वो अनकाउंटेबल है द फार्मर हैड डा डैश क्लोदज क्लोदज काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ मनी आएगा द फार्मर हैड मनी क्लोदज़ माई ब्रदर परचेज बुक्स बुक्स जो है वो काउंटेबल है इसके साथ सम आएगा सम काउंटेबल के साथ भी आता है अनकाउंटेबल के साथ भी यहाँ पर हम सम लिखेंगे द थीवज़ स्टोल डाई डैश फर्नीचर फर्नीचर भी क्या है अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर आएगा अ लॉट ऑफ फर्नीचर शेक्सपियर रोड डाई डैश प्लेज मैनी प्लेज दे एट डाय डैश मीट मीट भी अनकाउंटेबल है दे एट ए लॉट ऑफ मीट आई विश आई है उसमें आएगा लॉट ऑफ वेल्थ ही रेड डायड स्टोरीज जूरिंग विंटर वेकेशन ही रेड मनी स्टोरीज ज्यूरिंग विंटर वेकेशन दे वॉट डाय डैश कॉरपेट्स दे वॉट सम कॉरपेट्स यू नीड डाई डैश कॉरेज यू नीड ए लॉट ऑफ कॉरेज अब आगे चलते हैं आगे ग्रामर वर्क है लुक एट दिस सेंटेंस लुक एट दिस सेंटेंस द पेशेंट हैड बीन ऑल नाइट बट नो वन केम टू हेल्प हिम इन द दबो सेंटेंस अंडरलाइन वर्ड्स आर इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक तो हैड इस्तेमाल होता है उसके साथ बीन भी इस्तेमाल होता है और वर्ब की जो है वो इंग फॉर्म इस्तेमाल होती है या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल होती है तो वी यूज़ दिस टेंस टू इंडिकेट एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड वाज कम्प्लीट इन द पास्ट जब हमें पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो किसी ऐसे काम को इंडिकेट करता है ज़ाहिर करता है जो काम पास्ट में शुरू हुई हो और पास्ट में कम्प्लीट भी हुई हो बट द एम्फेसिस इज़ ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन एंड टाइम लेकिन जो, जो जोर दिया जाता है वो कंटीन्यूटी पर और टाइम पर इसमें दिया जाता है तो ना यूज़ द Past perfect continuous tense of the verbs in brackets in the following sentences. When I joined this office, she died here for 10 months. Black so had been working. The dogs died all night, but we didn't care. So, bark he, so had been barking. They died dash, <coughs> there for a year before you came. Live so had been living. I died ash all day so I was tired in the evening. I had been working, I came back to my work. So the baby died ash all night so the mother was awake. Weep had been weeping. The machine died ash continuously for ten hours, but nothing happened to it. Work had been working. She died a sinus from morning, so she slept in the afternoon. Cook, she had been cooking. She the children died all night sit दे डिट स्लीप डरिंग द डे रीड तो उसमें हैड बिन रीडिंग द सिस्टर्स डाइडैश सिंस फ्राम इवनिंग सो दे वेंट टू बेड विदाउट फूड कॉर्ल तो आई गड बिन कॉर्लिंग द फुटबॉल टीम इज डायश फॉर थ्री आवर्स बट नन वन द मैच प्लेंग आई गे हैड बिन प्लेइंग आई होप ये समझ आया होगा आपको आप इसको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कीजिए कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट डसन के साथ अब के लिए अल्लाह हाफिज़